जय हिंद, मैं अर्शिन खान, मुंबई हाईलाइट्स में आपका स्वागत है। दाऊद इब्राहिम के निशाने पर दिल्ली और मुंबई के नेता, एनआईए ने किया खुलासा। एनआईए ने खुलासा किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आतंकी हमलों से पूरे देश को दहलाने की साजिश रच रहा है, इसीलिए उसने स्पेशल यूनिट बनाई है। इसके ज़रिए वह आतंकी गतिविधि फैला रहा है। इसकी जानकारी मिलने के बाद एनआईए ने 7 फरवरी को दाऊद इब्राहिम और कर खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया था। एनआईए को पता चला है कि दिल्ली और मुंबई में रहने वाले बड़े नेता और कारोबारी दाऊद की रडार पर है। हाल में गृह मंत्रालय ने एनआईए को डी कंपनी के मामलों को देखने और जांच शुरू करने की मंजूरी दी थी, जबकि एनआईए के एक अधिकारी के अनुसार दाऊद लंबे समय से पूरे भारत में आतंकी गतिविधि फैला रहा था। हवाला चैनलों के जरिए उन लोगों की फाइनेंशियली मदद की गई है जो पूरे देश में अशांति पैदा करने के लिए उसके इशारे पर काम कर रहे हैं, जबकि दंगा जैसी हालात के लिए लोगों की भर्ती की एजेंसियां डी कंपनी की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही है। बताया जा रहा है कि हाल कर कुछ दिनों में दंगे जैसी स्थिति पैदा करने के लिए पूरे भारत में लोगों की भर्ती की है, साथ ही अलग अलग धर्म के लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाल में ही ईडी ने दाऊद के भाई इकबाल काशकर की 7 दिन की मनी लैंडिंग कैश केस में कस्टडी ली है, जिस पर दाऊद के नेटवर्क चलाने का भी आरोप है। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें मुंबई हाईलाइट्स।